है स्टूडेंट, आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है एक इंक्लाइन एंगल आयरन पर लड़ते बॉल के लिए 2s और t स्क्वायर के मबैन ग्राफ बनाएं और फिर बॉल का एक्सेलरेशन मालूम करें, यानी टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो समांतर कार है उसमें एंगल आयरन, जुड़ी वाला वी शक्ल का ब्लॉक, मीटर रॉड, स्टील बॉल, स्टॉपवॉच और ग्राफ पेपर, ये चीजें हमें दरकार है। कैसे परफॉर्म करेंगे, आइए अब तरीके कार की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक ऑब्जर्वेशन वाला मुशाहदात वाला टेबल ड्रॉ करेंगे। ये मैं यहां पर लिख दूंगा, ये मुशाहदात। इसमें हमने क्या चीजें लेनी है, नंबर एक इस टेबल में आपने पहला कॉलम बनाना है मुशाहदा नंबर, दूसरा है बॉल का फासला एस सेंटीमीटरों में, तीसरा कॉलम जो है फासला तय करने में जो टाइम लगा हो टी वन सेकंड में लिखेंगे पहली दफा, फिर उसी को जब रिपीट करेंगे टी टू टाइम सेकंड में आएगा वो दूसरी दफा, इन दोनों की एवरेज लगा के उस टाइम हम यहां पर निकालेंगे। उसके बाद 2s सेंटीमीटर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टी स्केल सेकंड स्केल की शक्ल में हम मालूम करेंगे, और उसके बाद हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे इस डेटा की मदद से। टाइम अलाउ एक्स एक्सिस लेंगे और डिस्टेंस अलाउ वाई एक्सिस लेंगे, यहां से एक हमें जो ग्राफ आएगा स्लोप आएगी, उस स्लोप की मदद से हम किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फॉर्मूला लगाकर ए बराबर टू एस ओवर टी स्क्वायर की मदद से मालूम कर सकते हैं, और एंड पे फिर हम नतीजा निकालेंगे। अब ये जो डायग्राम है ये आपको थोड़ी सी गाइड करता हूं। सबसे पहले आपने प्रोसीजर में क्या करना है कि एक एंगल आयरन को लेना है, उसके बाद लकड़ी का वी शेप शक्ल या शेप का आपने स्टैंड लेना है, यहां पे भी और यहां पे भी लगाना है, और इस एंगल आयरन को तकरीबन कोई 15 के एंगल पे आपने जमीन के साथ एडजस्ट करना है, और ज्यादा अगर 15 से ज्यादा एंगल करेंगे या कम करेंगे तो बॉल की जो मोशन है इसके अंदर वो नॉर्मल नहीं होगी। जब ये आप एडजस्ट कर लें उसके बाद बॉल को आपने इसके ऊपर रखना है, ये एंगल आयरन आपको नजर आ रहा है, इसकी रेंज जो होती है बॉल के ऊपर 200 सेंटीमीटर तक फासला सेंटीमीटर की शक्ल में लिखा होता है, बॉल के 250 सेंटीमीटर होता है। मेरे पास जो इस वक्त एंगल आयरन है वो है 200 सेंटीमीटर लेंथ वाला, तो क्या करेंगे हम, पहले बॉल को पकड़ेंगे 50 सेंटीमीटर पर रखेंगे और इसका यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम लिखेंगे हम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 100 सेंटीमीटर पर बॉल रखूंगा, यहां से इसे मूव करवाऊंगा और यहां जीरो पर पहुंचते जितना टाइम लगेगा वो टाइम नोट करूंगा, फिर 150 पे जितना टाइम लगेगा, फिर 200 सेंटीमीटर के फासले पे बॉल को रखूंगा, यहां से मूव करवाऊंगा और यहां पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम नोट करूंगा। तो इस तरह मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4 डिस्टेंस है। बॉल का जो फासला पहले मैं रखूंगा 50 सेंटीमीटर पे, फिर रखूंगा 100 सेंटीमीटर पे, फिर रखूंगा 150 सेंटीमीटर पे, फिर रखूंगा 200 सेंटीमीटर पे। ये टाइम हमने नोट करना है दो दफा, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। इसमें आपको एक ये फासला लेके दिखाऊंगा, वही सेम यहां कंसीडर करके उसकी एवरेज लूंगा, वहां से मैं 2s और t के मालूम करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। अब मैं लेके चलता हूं आपको एंगल आयरन की तरफ, और वहां पे ये जो हमने 50, 100, 150 और 200 सेंटीमीटर के मुख्तलिफ जो डिस्टेंस दिए गए वहां पे मैं बॉल को रखूंगा और वहां से टाइम जो लगेगा वो नोट करूंगा। तो आइए अब टाइम नोट करते हैं। ये स्टूडेंट, ये आपके सामने मेरे हाथ में एंगल आयरन है और ये बॉल है। अब मैं क्या करूंगा, एक दफा जस्ट वैसे ट्राई के तौर पे आपको दिखाता हूं कि यहां पे ये मेरे पास अगर गौर करें तो ये यहां से जीरो से शुरू हो रहा है, इसकी अगर लेंथ आपको दिखाऊं तो ये यहां पे आ रहा है मेरे पास 50 सेंटीमीटर, यहां पे आ रहा है 100 सेंटीमीटर और यहां पे 150 सेंटीमीटर, और सबसे नीचे अगर देखें आप तो ये 200 सेंटीमीटर है। तो ये मैं 50-50 के फासले पे चार दफा रीडिंग लूंगा, जैसा कि अभी हमने पीछे बात की है, पहले 50 सेंटीमीटर पे बॉल को रखूंगा,
और फासा नोट करूंगा, इस तरह 100 पे रखूंगा, 150 पे रखूंगा, इस तरह 200 पे रखूंगा। अब एक दफा जस्ट आपको वैसे ही ट्रायल देके दिखाता हूं कि बॉल कैसे मूव करता है एंगल एरन के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मैं जमीन के ऊपर रखता हूं और 15 के एंगल पे जमीन के साथ एडजस्ट करता हूं ताकि हम अपना जो ऑब्जर्वेशन वाला काम है इसका टाइम पीरियड जो है मुख्तलिफ फासलों पे नोट कर सके। जी डियर स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं एंगल एरर अपनी पोजीशन पे इजी हो चुका है, मैंने फिट कर दिया है। जैसा कि हमने अभी बात की थी के वी शेप ब्लॉक लेके उसके नीचे रखेंगे एक साइड पे और 15 के एंगल पे उसको एडजस्ट करेंगे। ये मेरे हाथ में आप स्टॉपवॉच देख रहे होंगे, 00 सेकंड आपको शो हो रहा होगा। ये मेरे पास बॉल है जी, एरन बॉल। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमने बात की थी कि 50 सेंटीमीटर फासले पर रखेंगे इस बॉल को, यहाँ पे देखे 50। अब यहां से जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा इधर से मैं टाइम नोट करूंगा और यहां से 50 सेंटीमीटर के फासले पे जो टाइम होगा वो नोट करेंगे। इधर देखिए मैं टाइम शुरू करता हूं, तो ये आप नोट करें यहां पे 2 सेकंड लगे हैं टोटल टाइम के जब वो 50 सेंटीमीटर के फासले पे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसी बॉल को मैं 100 सेंटीमीटर के फासले पे रखता हूं यहां पे और दोबारा हम टाइम नोट करते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब मैंने 100 सेंटीमीटर के फासले पे बॉल को रखा है, अब दोबारा इसका टाइम नोट करते हैं। ये बॉल मूव कर रहा है आपके सामने आस्ता आस्ता, ये देखिएगा, और ये हमारे पास जो सेकंड मिले हैं वो 4 सेकंड लगे हैं, ये देख लें आप, क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं चलता हूं 150 डिस्टेंस पर, तो आप देखिए यहां पे मेरे पास अब फासला यहां पे 150 जो है यहां पे है। अब दोबारा हम नोट करते हैं टाइम। जी डियर स्टूडेंट, अब आप देख लें 150 सेंटीमीटर के फासले पे है। अब मैं इसको दोबारा ऑन करूंगा और इधर से 150 सेंटीमीटर के फासले पे जो बॉल ने टाइम लेना है वो नोट करूंगा। इधर देखिएगा, ये देखिए, ये ले लीजिए 6 सेकंड अगर आप देखें तो इस वक्त 150 पे लगे हैं। अब लास्ट टाइम चौथी दफा हम नोट करते हैं दोबारा फास 200 सेंटीमीटर के फासले पे। जी डियर स्टूडेंट, अब मैं बॉल को 200 सेंटीमीटर के फासले से छोड़ूंगा और देखूंगा कितना टाइम लगता है इसको फासला कवर करने में। ये देखिएगा, ये देखें जी, ये टोटल लगे हैं 8 सेकंड। तो इसका मतलब है कि हर 50 सेंटीमीटर फासले के लिए 2 सेकंड का टाइम रिक्वायर है। ये स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि एंगल एरन के जरिए मैंने बॉल को मुख्तलिफ फासलों पे रखा। पहले मैंने रखा था 50 सेंटीमीटर के फासले पे, तो जो हमारे पास टाइम आया था वो 2 सेकंड आया था। फिर मैंने उसको 100 सेंटीमीटर के फासले पे रखा तो टाइम जो लगा वो 4 सेकंड लगे। फिर 150 सेंटीमीटर पे आए तो 6 सेकंड लगे। जब 200 सेंटीमीटर के फासले पे रखा तो 8 सेकंड लगे थे उसे यहां तक पहुंचने में। अब ये जो टाइम आया मैं इस डेटे में पुट करता हूं टेबल के अंदर, तो सबसे पहले 50 पे 2 सेकंड टाइम लगा है। अगर दोबारा भी मैं लेता रीडिंग तो वो आनी थी 2। ये मैं इसलिए सेम ले रहा हूं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, एक ही रीडिंग लेके दिखाना मकसद था। अब इनकी आप एवरेज लेंगे 2 + 2 / 2, 4 को 2 पे करेंगे तो आपके पास 2 ही ऑस टाइम सेकंड में आएगा। अब उसके बाद 2s निकालना है, s हमारे पास 50 है तो 2 को 50 से जब आप मल्टीप्लाई यानी ज़रब देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर 2s। इससे हम t स्क्वायर निकालते हैं, t हमारे पास अभी आया है 2। अब इस 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर 4। सेम हम मैं यहां पे डाटा कैलकुलेट करता हूं, जब फासला हमारे पास 100 था तो टाइम लगा था 4 सेकंड, या मैं लिखूंगा 4। इसी तरह 150 पे 6 सेकंड लगे थे, 200 सेंटीमीटर पे 8 सेकंड लगे थे,
तो ये पहली दफा अगर चार है तो जाहिर है दूसरी दफा भी डेफिनेटली चार आएगा। इसी तरह इसका हम निकालते हैं 4 + 4/2, तो ये हमारे पास आएगा 8 को 2 पे तकसीम करें तो 4। यहां पे 2 × डिस्टेंस हमारे पास है 100, तो ये हमारे पास आएगा 2। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 2 को 100 के साथ जब देंगे तो वो 200 मीटर सेंटीमीटरों में फैसला आपके पास आएगा, फासला जो है, डिस्टेंस जो है। अब इसी तरह टी स्केयर मालूम करते हैं। टी हमारे पास है यहां पे 4, तो 4 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 16 सेकंड स्केयर। इसी तरह मैं 150 के फासले पर जब हमने बॉल को रखा था तो टाइम लगा था 6 सेकंड, जब दूसरी दफा लेंगे तो वो भी 6 आएगा। अब इनकी एवरेज आप ले लें तो वो भी हमारे पास 6 सेकंड आएगी। उसके बाद 2s निकाल लें, 2 × डिस्टेंस अब हमारे पास 150 है, ये हमारे पास आएगा 300 सेंटीमीटर। उसके बाद आप टी स्केयर निकालें, टी हमारे पास है 6, तो 6 का स्केयर लेंगे तो आपके पास आएगा 36। इसी तरह मैं जब बॉल को 200 सेंटीमीटर के फासले पर रखा, वहां से छोड़ा तो टाइम लगा था 8 सेकंड, तो यहां पे भी मैं क्या लूंगा, दूसरी दफा जब इसको आप परफॉर्म करेंगे तो वो जाहिर है 8 आएगा। दोनों की आप एवरेज लेते हैं, 8 और 16 को 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 8 सेकंड की आएगा। फिर यहां से मैं 2s निकालूंगा, 2 × s हमारे पास जो है 200 है, तो ये आएगा 400 जो डिस्टेंस आएगा। उसके बाद टी स्केयर है, टी मेरे पास यहां पे 8 है, तो 8 का स्केयर दूंगा तो ये आएगा 64 सेकंड स्केयर। तो ये आपके सामने मुशाहदात यानी ऑब्जर्वेशन वाला जो टेबल है, जिसमें हमने फासला और फासले से में तय करने में जितना टाइम लगा वो और उससे 2s और t स्केयर हमने निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को ग्राफ के अंदर पुट करेंगे और वहां से हम फिर एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब ये जो ऑब्जर्वेशन वाला टेबल है, इससे डेटा लेके मैं टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ ड्रा करने लगा हूं। तो ये टी स्केयर हमारे पास ये वैल्यूज आई थी, फर्स्ट वैल्यू जो थी वो थी 4 सेकंड, यानी कि 50 सेंटीमीटर के फासले पे जब बॉल को रखा था, फिर 100 पे जब रखा था वहां से टी स्केयर है 16, 150 पे जब रखा तो उससे टी स्केयर आया हमारे पास 36, जब 200 डिस्टेंस पे रखा तो उससे टी स्केयर हमारे पास आया है 64। इसके बाद 2s की वैल्यू लेंगे, फर्स्ट हमारे पास 100 सेंटीमीटर, फिर है 200, उसके बाद है 300, उसके बाद है 400। ये सेंटीमीटरों के अंदर फासला है, ये मैं लिख देता हूं नीचे, और ये जो टाइम है ये सेकंड स्केयर में है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को मिलाएंगे आपस में और वहां से हम एक स्लोप हासिल करेंगे। तो ये मेरे पास इधर से अगर ऊपर मैं बढ़ाऊं तो ये 4 है, इधर से 100 है, ये एक पॉइंट यहां पे मिल गया। इसी तरह ये मेरे पास 16 है और इधर से 200 को मैं मिलाता हूं आपस में तो ये पॉइंट मिल गया। इस तरह इधर से 36 है, इधर से 300 है, इनको मिलाने से ये 10 पॉइंट मिला। इसी तरह ये 64 है और इधर से 400 है, इन दोनों को मिलाने से यहां पे पॉइंट मिला है। तो यहां पे मैं आप छोटे छोटे दायरे लगाऊंगा जहां से मुझे ये पॉइंट मिले हैं, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया है और अलोंग वाई एक्सिस हमने डिस्टेंस लिया है। अब आप क्या करेंगे, एक स्केल लेके ये जो पॉइंट्स है इनको आपने आपस में मिला देना है, वहां से आपको इस ग्राफ की स्लोप हासिल होगी। ये आप देख रहे हैं इस वक्त। जी डियर स्टूडेंट, अब आप देखें आपके सामने मैंने स्लोप ड्रा कर दी है और सारे पॉइंट को जो कनेक्ट करके सीधी एक लाइन हमें हासिल हुई है, इसे हम स्लोप ऑफ द ग्राफ भी कहते हैं। इस स्लोप की मदद से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस और टाइम के
की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें टाइम का पता है तो उससे हम फासला मालूम कर सकते हैं, या अगर फासला से हमने टाइम मालूम करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न था वो है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। अब कोई एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, वहां पे एक्सेलरेशन की कीमत फाइंड आउट करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो पॉइंट कंसीडर करूंगा वो मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आइए अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट ए की करते हैं। जी डी स्टूडेंट, अब मैं चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल मुझे स्लोप के इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाए। ये जो पॉइंट मैंने लगाया है, यहां से आपने यहां फार्मूला पुट करना है। ये फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, एक्सेलरेशन का ए बराबर 2s ओवर टी स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए कि नीचे टाइम आ रहा है 4 सेकंड स्क्वायर, और इधर अगर आप फासला देखें वो 100 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर आप देखिए ये पहला पॉइंट है जिसका टाइम हमने कहा है कि फर्ज करें कि 4 सेकंड स्केयर है, और फासला वहां पे क्या आ रहा है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करता हूं, 2s 100 पुट करूंगा यहां पे, और टी स्केयर जो है वो 4 है, इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 25। अब ऊपर फासला है, फासले की का यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, और नीचे टी स्केयर है यानी कि टी टाइम सेकंड है, सेकंड का स्केयर है, तो हम क्या लिखेंगे सेकंड स्केयर 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर। इसको हम मीटरों में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसको अगर मैं 25 को 100 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्केयर। ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट होगी इस ग्राफ की मदद से जो हमने डिस्टेंस टाइम के दरमियान ड्रॉ किया है। और ये आप देख ले, किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो ये वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगी। तो ये जो ग्राफ है ये आपको कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करता हुआ नजर आ रहा है। तो एंड पे हम नतीजा निकालेंगे कि मैंने 2s और t के मबैन ग्राफ बनाकर बॉल का एक्सेलरेशन मालूम किया, जो कि आपके सामने अभी हमने भी मालूम किया है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर, या मीटरों में लेना हो तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्केयर, और एग्जामिनर यानी मुमतन को दिखाया। तो ये था आज का प्रैक्टिकल जो मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की इस प्रैक्टिकल की डेमोन्स्ट्रेशन की समझ आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने प्रैक्टिकली ये डेमोन्स्ट्रेशन सीखी है आपके दोस्त भी इसे सीख सकें। इसके अलावा अगर आपके जेहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पे जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे अपने क्वेश्चन पुट करें। और अगर सबका वीडियोज आपको वसूल नहीं हो रही प्रैक्टिकल की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और दूसरी जो साइंटिफिक वीडियोस हैं, तो आप इस मेरे प्रैक्टिकल वीडियो चैनल ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, साथ ही एक बेल आइकन का बटन घंटी का बजा हुआ है, जिस तरह आप किसी के घर की घंटी बजा के भाग जाते हैं ना, इस तरह ऊपर घंटी के बटन को भी फौरी तौर पर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियोज आप तक पहुंच जाए, और साथ जितनी भी मैं वीडियो बना चुका हूं वो भी आप तक पहुंच जाए। तो आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का, देखने वालों का, सुनने वालों का, सबका तहे दिल से मशहूर हूं। और आपके जो पॉजिटिव फीडबैक आते हैं यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स की शक्ल में, आप उन सब कमेंट्स जो आप देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उनका भी तहे दिल से मशहूर हूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।